हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का आंसर की। जी हाँ दोस्तों, 100% करेक्ट आंसर आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो हम इसमें सेट कोड है, ऐप है, उसे सेट कोड से कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वीडियो में, और इसमें पहला क्वेश्चन है, डैस ग्रुप को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी नंबर, जो कि हम 100% करेक्ट बोल रहे हैं। और चलते हैं दो नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका भी आंसर दो का बी होगा। अब तीसरे नंबर में चलते हैं, इसमें बोल रहा है कीटोन का अपचय में कीटोन कराने पर प्राप्त होता है, तीन का आंसर होगा बी, तीन का आंसर बी होगा। चौथा हम चलते हैं, यह होता है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धनात्मक इलेक्ट्रोड। अब चलते हैं पांच नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो पांच का हो जाएगा सी नंबर। अब सिक्स में चलते हैं, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो सिक्स नंबर का आंसर होगा बी नंबर, सिक्स का आंसर बी होगा। चलते हैं सेवन में, यहाँ बोले आवर्ती सारणी के ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, तो सेवन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सल्फर। किसी आठ नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, अभिक्रिया वेग कम करता है, आठ का ए। नौ चलते हैं, यहाँ बता रहा है उजला और पीला फास्फोरस है, तो नाइन का आंसर होगा ए नंबर, अपर रूप होगा नाइन का ए। दस नंबर में आते हैं, दस में बता रहा है अर्धपरागम्य झिल्ली से परागसरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विलय के अणु, ए नंबर, दस का ए होगा। अब ग्यारह में आते हैं, यहाँ बता रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, तो 11 का आंसर होगा ए, NH3, 11 का ए। बारह में चलते हैं, वेर वादार ठोस पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कांच, 12 का बी। अब चलते हैं 13 में, यहाँ पे बता रहा है डैश के निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका आंसर होगा 13 का बी नंबर होगा, 100% सही है दोस्तों, 13 का बी। चौदह में आते हैं, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो 14 का हो जाएगा दोस्तों 4 डी, तुल्यांक भार पर। अब चलते हैं दोस्तों 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक एस्क नहीं है, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइड। चलते हैं 16 में, यहाँ बता रहा है निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, 16 का डी। 17 में चलते हैं, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 17 का। 18 में आते हैं दोस्तों, ओलियम का सूत्र है 18 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, ओलियम सूत्र। अब चलते हैं 19 में, यहाँ पे बता रहा है
पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो 19 का ए होगा आंसर। 20 में आते हैं, डैश के उपसंयोजक की संख्या है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 3, 20 का ए। 21 में आते हैं, अभिक्रिया डैश ताप बढ़ने पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, इसीलिए 21 का ए। 22 में चलते हैं, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो इसमें बताया जा रहा है कि सी होगा, 22 का सी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, 23 का हो जाएगा आंसर, बी नंबर, इसका बी नंबर। 24 में आते हैं, यहाँ बता रहा है रवादार ठोस है, इसका नंबर हो जाएगा हीरा, 24 का ए। 25 में आते हैं, ग्रुप के अलावा एनी एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, 25 का आंसर होगा ए। अब आते हैं 26 में, निम्न में से किसमें क्रिस्टल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो इसमें कन्फर्म आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इम्सन, 26 का डी। अब 27 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलोल अलोल अडोल संधानन में भाग लेता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आते हैं 28 नंबर प्रश्न में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए डैश का मान होता है, 28 का हो जाएगा ए नंबर आंसर कंफर्म। 29 में क्वेश्चन में बताया जा रहा है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो 29 का आंसर, 29 का ए नंबर होगा आंसर, 29 का ए। अब चलते हैं 30 में, कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, 30 का आंसर होगा ए नंबर। 31 में आते हैं, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुफलक होती है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, 31 का आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें आते हैं 32 में, यहाँ बोल रहा है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो 32 का कन्फर्म आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 33 में, ये बोले एल्केन एटकेनल का सामान्य सूत्र होता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं 34 में, इसमें बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड और लौह चुंबक प्रदर्शित करता है, तो इसका कन्फर्मेशन होगा 24 का सी नंबर, ये होगा सी। 35 में आते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र है, 35 का कन्फर्म आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, ये बी, C6H6। अब चलते हैं 36 में, यहाँ पे बता रहा है निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंखक गुण है, तो 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 36 का। अब 37 में आते हैं, वात्या भट्टी के निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, 37 का कन्फर्म आंसर ए होगा दोस्तों, 37 का कन्फर्म आंसर ए। अब 38 में आते हैं, अल्कोहल के सक्रियशील मूलक है, 38 का कन्फर्म आंसर ए होगा, इसका भी 38 का कन्फर्म आंसर ए होगा। 39 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सी मिथेन का सूत्र है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, कन्फर्म आंसर है 39 का ए। चलते हैं 40 में, यहाँ बता रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है डैश कहा जाता है, यानी कि उसको अयस्क कहा जाता है, ए नंबर 40 का। चलते हैं 41 में, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, तो 41 का कन्फर्म आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यह रॉल्ट के नियम, ओ सॉरी बी नहीं होगा इसका, 41 का ए होगा, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जी हाँ दोस्तों, 41 का ए है। अब 42 में आते हैं,
यहाँ पे बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 42 का ए। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, ये ग्रुप एफ था जो कि हमारे पास अवेलेबल अवेलेबल था, जो कि हम सेट ऐप का हम बनाए हैं वीडियो। अगर आप सभी को